First of all, I would like, please attention, please. Please, we are requesting you all, please listen carefully, quietly, just for a few words, okay? First of all, I would like to thank Mr. Amir, thank you very much for inviting me. Secondly, I would like to welcome our junior guest, Mr. Javed laghari, first of the so, Thank you. Next, I would like to congratulate the newcomers, new students. I wish all the happiness in the future. You just finished your first year, and I think you finished your semester with success. Please pay attention. And that for the second or third year students, I also wish all the good things, good luck. And the other is like family. So first year students are younger brothers and sisters. So you can find your older brothers are your senior students and your parents are the teachers. So we have very respected teachers, and not only teachers, they are also your parents. So anytime you can come, ask any kind of questions. That's our pleasure to help you. Now I would like to give a first speech to our respected guest, Mr. Javed laghari. Welcome. And now to the way at the प्लीज जरा साइलेंट हो जाए थोड़ा सा सुनिए मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर ये पार्टी मेरी तरफ से दी गई है और फाइव स्टार एजुकेशन ग्रुप की तरफ से मैंने कहा कि अपने जो स्टूडेंट हैं हमारे पाकिस्तानी ताकि उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और उनसे बातचीत हो सके तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो आपने क्रिसमस स्पेशल को क्लेम कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छी तरह से अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो दिए हुए होंगे मैं जब यहां से डेलीगेशन पाकिस्तान आया मिस्टर रमन भाई और मैम यूलिया हमारे पास वहां गेस्ट थे तो मैं स्पेशली आप लोगों की इज्जत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का इमेज बढ़ाने के लिए इनको अपनी यूनिवर्सिटीज में लेके गया कि हमारे पास भी कोई तालीम की कमी नहीं है हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े इदारे हैं पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो वहां से बच्चे यहां पर आते हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और वो एक बहुत बड़े कंट्री से यहाँ पर आते हैं और जिसको रिकॉग्नाइज किया डॉक्टर रमन भाई ने और मैम यूलिया ने बल्कि वो कहते हैं कि हमारा ड्रीम है कि हम दोबारा पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान देखकर आए और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ पर हैं जैसे ये वहां से इम्प्रेस होके आए हैं मैं आप भी यहाँ पर पाकिस्तान के एम्बेसिडर हैं आप अपना यहाँ उठना बैठना और अपना कल्चर मत बोले अपने कल्चर को लेके चले आप जो हमारी फीमेल बेटियां और बहनें यहाँ पर पढ़ रही है मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा और अपने छोटे भाई और बेटे मेरे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कल्चर मत बोले मैं यहाँ बिश्केक में एक सियासी मीटिंग थी वहां पर मैं मौजूद था वहां मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला बहुत ही बड़ी एज के बुजुर्ग थे मुझे उन्होंने एक मैसेज दिया कि अपने स्टूडेंट को ये मैसेज देना कि रायवेड वाला कल्चर यहाँ छोड़ कर जाए यहाँ वाला कल्चर वहां ना लेके जाए उस एक बुजुर्ग ने जो किरगिज था उसने मुझे ये रिक्वेस्ट की और मैं बड़ा खुश हुआ कि वो लोग यहाँ के जो लोग हैं लोकल लोग हैं हमारे कल्चर से इतने इम्प्रेस है और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर ऐसे असरात छोड़े कि यहाँ लोग याद करें आपको क्योंकि ये छोटा सा असर है ये गुजर जाता है पांच साल
रात का टाइम होता है सारा, तो मेरे टाइम गुजरते पता नहीं चलता। और सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो दें, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। कल अगर आप पाकिस्तान जाएं तो एक अच्छे डॉक्टर हूँ आप वहाँ पर। मैं क्लिनिक पे बैठा था, आपको एक छोटा सा दिलचस्प वाक्य सुनाता हूँ। वहाँ एक पेशेंट बैठा था अपनी फैमिली को लेके, वो पूछ रहा हो कि यार पहले पता कर लो कि ये चाइनीज डॉक्टर को नहीं है कि जिसको हम चेक कराने जा रहे हैं, यानी चाइना के डॉक्टर्स का ये इमेज है। और आप अगर पढ़ेंगे अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे तो आपका इमेज और किर्गिस्तान का यहाँ जिस इदारे से आप पढ़ के जा रहे हैं उसका इमेज बेहतर होगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ। और बाकी इंशाल्लाह एक बात आपको और बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई ख्याल है, मैं स्पेशली पीएमडीसी गया, मैंने रजिस्ट्रार पीएमडीसी उनसे मुलाकात की, पीएमसी कमीशन में मैं गया, मैंने उनसे ये पूछा कि हमारे बच्चे जो इतने सारे जा रहे हैं किर्गिस्तान के अंदर, दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं और बहुत सारी तादाद में जा रहे हैं, क्या आया जब वो वापस आएंगे तो आप उनका एग्जाम लेंगे? इतनी सारी यहाँ उनको बारियां लगाएंगे कि इस साल इतने दें, इस साल इतने दें। तो उन्होंने मुझे क्लियर किया कि अगर आपका 20,000 स्टूडेंट भी आएगा तो हम एग्जाम लेंगे। ये बात थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए आपके जहन में। और इंशाल्लाह आपका ब्राइट फ्यूचर है। और ये मेरी तरफ से आपके लिए ये डिनर है, पार्टी का इंतजार किया गया है, आप इंजॉय करें। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच।